अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ पंजाबी स्टाइल में कढ़ी पकोड़ा रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी दही, दही मैंने लिया है खट्टा वाला, और यहाँ पे मैंने लिए आधी कटोरी बेसन, और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी अभी हम कम डालेंगे, फिर बाद में पानी को हम और डालेंगे। इसी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैंने एक हांडी ली है और उसमें मैंने ये कढ़ी और बेसन का घोल ऐड कर दिया है। और अब इसको हम इसी तरीके से मीडियम गैस पे पकाएंगे चलाते हुए। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चम्मच नमक और एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम एक उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है, और इसको हम मीडियम गैस पे इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। तो ये देख सकते हैं कढ़ी जो है बन के तैयार है। अब बनाएंगे हम पकौड़ी। यहाँ पे मैंने लिया है डेढ़ कटोरी बेसन, बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन, और थोड़ी सी इसमें मैंने हींग भी ऐड करी है। और इसमें डालेंगे पानी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देख सकते हैं पकौड़ी का बैटर जो है रेडी है। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था पहले से। अब बनाएंगे यहाँ पे हम पकौड़ी। तो ये देख सकते हैं एक साइड से जो है पकौड़ी जो है सिक चुकी है। अब हम इसको पलट देंगे। तो ये देख सकते हैं पकौड़ी जो है रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी हम डायरेक्ट कढ़ी के अंदर पकौड़ी को ऐड कर देंगे। तो अब बनाएंगे हम तड़का। तो मैंने एक पैन में ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें ऐड करेंगे सरसों और थोड़ी सी हींग, और इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, बारीक कटा हुआ लहसुन, साबुत मेथी दाना, साबुत धनिया, और थोड़ी सी कटी हुई लाल हरी मिर्च। और अब इसमें करेंगे हम अजवाइन ऐड। तो ये देखिए तड़का जो है रेडी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना एंड सारे कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।